पीजी कॉलेज धर्मशाला की एनएसएस इकाई के स्वयंसेवी ललित कुमार डोगरा को राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्रीय पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया गया है। देश के 40 लाख युवाओं में से 200 को ही इस बार चुना गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के 23 वर्षीय ललित कुमार को भी चुना गया है। उन्हें यह सम्मान दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 24 सितंबर को प्रदान किया गया। दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर धर्मशाला स्लेट गोदाम योलघर पहुंचे ललित कुमार डोगरा का हिमालयन गद्दी यूनियन की ओर से सम्मान किया गया। इसमें यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र कुमार और उपाध्यक्ष जागृत बांगवाल ने ललित कुमार, उनके परिवार व प्राध्यापक डॉक्टर मलकीय सिंह को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत निजी तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाले 23 वर्षीय ललित कुमार कांगड़ा जिला से पहले ही स्वयंसेवी हैं, जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्यों जैसे रक्तदान, सफाई अभियान, पौधारोपण, पौधों के संरक्षण, पारंपरिक स्रोतों के जीवनोद्धार, नशे के विरुद्ध अभियान, सड़क सुरक्षा, स्मार्ट सिटी के अंगीकरण अभियान तथा कोरोना काल में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की है। उन्होंने कोरोना काल में कोविड अस्पताल में भोजन वितरण और रक्तदान शिविर भी लगाए, साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हिमालयन गद्दी यूनियन ने प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने पर राज्य की ओर से उन्हें सम्मानित किया है और इसे गौरव का पल बताया है। राष्ट्रपति से अवार्ड मिला, कैसे देखते हैं और आगे लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे? पहले तो मैं हिमालयन गद्दी यूनियन का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज मेरे गुरुजी के साथ और मेरे माता पिता के साथ हमारे घर में आकर हमें सम्मानित किया। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं हिमाचल प्रदेश के नाम एक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो है मेरा चयन हुआ और मैंने हिमाचल का नेतृत्व जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो दिल्ली में किया। मैं राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला का छात्र हूँ, एनएसएस में मैं 3 वर्षों से कार्य किया, वो कार्य देखकर जो है हमारा जो चयन किया जाता है और सभी छात्र जो हैं इसके लिए अप्लाई करते हैं और उनका जो चयन है वो अमंग 40 लाख स्टूडेंट्स जो इसमें होता है। तो अगर बात करें एक युवा की, तो एज अ यंग सोशल वर्कर प्रोफेशनल, अभी मैं अपनी सोशल वर्क की क्लासेस भी ले रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही अच्छा एक स्टार्टिंग मुझे अभी मिला है और मैं समझता हूँ कि अभी एक प्रेरणादायक एक जो है ये अवार्ड साबित होगा मेरे जीवन में। जैसे कि मेरे गुरुजी ने हमेशा मुझे सिखाया कि जब तक आप रियलिटी में ग्राउंड लेवल में कार्य नहीं करेंगे और बिल्कुल लोगों के दुख को दिल से नहीं समझेंगे, तब तक जो है आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो आई थिंक आज गुरुजी के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मैंने ये चीज़ अपने जीवन में ढाली थी और आज मैं इस लेवल तक पहुँचा हूँ। और साथ ही मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मुझे कार्यभार मिला है, मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो है कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो सबसे साझा करनी, जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं और जो हमारा एक बिल्कुल युवा वर्ग है उसको जो है देश निर्माण में जो है जोड़ने का कार्य करना है। तो मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर जो है देश निर्माण की ओर जो है बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई इन्होंने हमारे राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। युवाओं को सही, युवाओं में बहुत ऊर्जा होती है, वो ईमानदार होते हैं, वो अनगढ़ होते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं रहता है, जैसा वातावरण मिलता है वो वैसा व्यवहार करते हैं। उनको एक सही निर्देशन की ज़रूरत है, उनके भीतर समाज सेवा के भाव भरने की ज़रूरत है और ऐसे युवा जो पुरस्कृत होकर आए हैं ये उनके लिए एक आइकन साबित होंगे, रोल मॉडल बनकर उभरेंगे और सभी युवा, उनमें बहुत शक्ति है, वो अपनी शक्ति का सही प्रयोग करके एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे। वो अगर कोई बुराई छोड़ना चाहते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं कि हम रखें क्या, तो मेरा उत्तर है कि वो स्पोर्ट्स करें, समाज सेवा में जाएं, जो खुशी उनको वहाँ मिलेगी उसमें अपना बदलाव वो खुद देखेंगे और हमारा राष्ट्र दिन पर दिन मजबूत होता जाएगा। स्वयंसेवक ललित कुमार जी, ये 2019-20 राष्ट्रीय सेवा योजना में जो चयनित हुए हैं, जिन्हें 24 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है और इनका हर क्षेत्र में योगदान रहा है। निजी तौर पर मुझे लगता है कि निजी क्षेत्र में ये पहले शख्स होंगे जिन्हें इस कम उम्र में जो है सम्मान मिला है, और ये हर क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। जैसे कि मैं कहूँ नशा मुक्ति में, रोड सुरक्षा में, पौधारोपण में,
प्राकृतिक स्रोतों को जीवन करने के लिए, तथा कोरोना काल में भी इन्होंने अपना भरपूर योगदान जो है हर एक क्षेत्र में दिया है। इन्होंने भोजन वितरित करने से लेकर रक्तदान करने से लेकर के, जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि अंतिम संस्कार करने तक इन्होंने अपना योगदान जो भरपूर भरपूर दिया है, जिसका पूरा श्रेय इनके माता पिता को, इनके गुरुओं को मैं बार बार देना चाहूँगा। असली बधाई के पात्र इनके गुरु जी हैं, जिन्होंने इनको इस तरह की शिक्षा दी है, और इनके माता पिता को जाता जिन तरह के इनका इन्होंने पालन पोषण किया है, जो संस्कार इनको घर से मिले हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।